सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं। और कलयुग की महिमा यह है, कलयुग में स्मरण मात्र से जो देव देवता हैं, जो प्रकट हो जाते हैं, स्मृति से, ध्यान से ही आपके अंग संग हो जाते हैं। उनमें जो प्रमुख नाम आता है वो है दत्तात्रेय महाराज जी का, जो कि बाबा जी के गुरु हैं, और हनुमान जी को ये वरदान है कि आप चारों युग में आपका जो महिमा होगी और स्मरण मात्र से आप प्रकट होंगे, किसी न किसी रूप में जो भी आपको ध्यान करेगा। और वैसे ही भाव बालकनाथ जी मात्र बाल रूप देवता हैं कि उनको स्मरण मात्र से ध्यान करते हैं आप। जो भक्तजन विश्वास से बाबा जी को मानते हैं उनके साथ ये घटनाएं घटती, आप स्मरण करेंगे, ऐसा नहीं तो सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, या जो आप चाह रहे हैं, तो किसी न किसी युक्ति से जो है आपको रास्ता दिखा देंगे, कुछ न कुछ माध्यम बनाएंगे किसी न किसी को। कई बार हम हमारे मन में होता है, हम सोचते हैं ये कार्य कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा, लेकिन आपको थोड़े समय बाद या अगले दिन तक आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। क्यों? आपका जो विश्वास है और जो देवता का जो प्रभाव है, देवत्व का वो है, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी महिमा है, वो चीजें तब फलीभूत होती हैं। और इस सब में जो सबसे जरूरी है वो है आपका विश्वास। तो अखंड विश्वास, अखंड श्रद्धा के साथ आप माने, जो भी कामना है मांगे, वो चीजें फलीभूत होंगी, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा और स्मरण करते रहना पड़ेगा। और कलयुग में सत्संग कीर्तन की और नाम की महिमा है, तो जितना भी समय आप ये देखिए, हम देशों की धरती पर रहे, कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, दिन रात समय मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मानव का जो है जन्म हुआ है उसका मात्र एक लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य ये भी है, भगवान ने जो आपको इंसान बनाया कि भगवत प्राप्ति, वो एक इंसान को ही ऐसी जो है सोच दी है, ऐसा शरीर दिया है कि वो सोच सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, स्मरण कर सकता है, ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। तो वो चीजें करें, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों में जुड़े रहें, उसको ना छोड़ें, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है सनातन संस्कृति विशाल संस्कृति है, हजारों करोड़ों युगों से, वर्षों से जो है वो चली आ रही है, देव परंपराएं हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनका अनुसरण करें। और जो जो भी